यो व्हाट्स अप एवरीवन। तो आज हम खेलने वाले हैं GTA 5। तो आप लोग माइकल को तो जानते होंगे, लेकिन इस स्टोरी में माइकल एक बहुत ही तगड़ा बिलियनर है। लॉस सैंटोस के टॉप बिलियनर पे भी माइकल का नाम आता है। माइकल अभी काफी ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन हो गया। हमारे पास काफी सारे बंगले हैं, सुपर कार है, एकदम लग्जरी लाइफ चल रही है अभी माइकल की। और हाँ, अभी हमारा बिजनेस के बारे में बता दूं, हमारा मेनली बिजनेस ये है कि हम सुपर कार को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे शोरूम है अभी लॉस सैंटोस में। हमारे पास अभी सारे ब्रांड अवेलेबल है, जैसे की रोल्स रॉयस और भी बहुत सारे मैकलैरन वगैरह। हमारे शोरूम से अभी सुपर कार, लग्जरी कार, गोल्ड प्लेटेड कार तक जाती है भाई। अभी बहुत दूर दूर तक एक्सपोर्ट होती रहती है हमारी गाड़ियाँ। और हाँ, इस बिजनेस में हम अकेले नहीं है, हमारे पास दो पार्टनर है और एक बहुत तगड़ा सा मैनेजर है, जो की हमारी सारी फाइलें, घर के, बंगले के, सारी चीजें अपने पास रखता है वो। हमारे पास जितनी गाड़ियाँ, बंगले, शोरूम्स है, सबकी फाइलें, पेपर्स उसी के पास रहते हैं, वही सब मैनेज करता है। हमारा काफी ज्यादा ट्रस्टेड मैनेजर है वो। माइकल के जो बिजनेस पार्टनर है वो उसके साथ उसकी कॉलेज लाइफ से है, और आज उसकी बिजनेस लाइफ में भी उसके साथ में ही है, जिसमें से एक का नाम है ट्रेवर और एक का नाम है फ्रैंकलिन। तो आप लोग शायद से इन लोगों को जानते भी हो। अभी सबका इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है, अभी यही है हमारे बिजनेस पार्टनर। और अभी मैं जा रहा हूँ, एक बहुत तगड़ी से हमारी मीटिंग होने वाली है हमारे छोटे वाले ऑफिस में, किसी बात के ऊपर। अभी देखते हैं भाई चल के किस बात के ऊपर वो मीटिंग बिठा रहे हैं वो लोग। उस मीटिंग में अभी ट्रेवर, फ्रैंकलिन और हमारा मैनेजर तीनों आने वाले हैं भाई। देखते हैं किस चीज पे इतनी तगड़ी मीटिंग बिठा ली इन लोगों ने। अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बोल के अपनी गाड़ियां तो रेडी करा लिए हैं, अभी जल्दी से चलते हो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक अपनी लग्जरी कार। और ये लग्जरी कार मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी। और राइट, तो अभी हम चलते हैं जल्दी से ऑफिस के लिए। और ये वाली रोल्स रॉयस मुझे रोल्स रॉयस वालों ने ही गिफ्ट करी थी, जब हमने उनका शोरूम अपने लॉस सैंटोस में ओपन करा था। और राइट, तो अभी चलते हैं जल्दी से ऑफिस के लिए। और ये जो मेरे पास सिक्योरिटी है ना, ये मेरे को ट्रेवर ने भाई थी कह रहा था भाई तू रख ले भाई अभी मेरी सिक्योरिटी। वैसे मुझे सिक्योरिटी की इतनी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसने दे दी तो मैंने भी ले ही ली भाई। अब क्या करना था भाई, अपनी ये रोल्स रॉयस काफी ज्यादा तगड़ी लगती है। अगर आप लोगों को ये रोल्स रॉयस तगड़ी लग रही है तो कमेंट में जाके रोल्स रॉयस ओपी जरूर लिख देना, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि मेरे व्यूअर ने यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लिया है। और हाँ, अभी आते हुए मैं अपना गैराज भी दिखाने वाला हूँ। काफी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां मैंने अपने गैरेज में रख रखी है, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ऑफिस से आते टाइम। तो चलो जल्दी से बिना देरी करे चलते हैं ऑफिस के लिए। ओके, तो अभी हम अपने ऑफिस के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। और मेनली हमारा ऑफिस जो है ना, ये सारी फाइलें वाइलें देखता है, जैसे कोई गाड़ी भी की है तो उसकी फाइलें जो भी रेडी होती है वो यहीं पे रेडी होती है। और मुझे लगता है मैं सबसे पहले आया हूँ यहाँ पे, अभी मुझे किसी और की कार तो नहीं दिख रही है यहाँ पर। अभी गाड़ी से उतर के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं ये लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं या नहीं। अभी आ तो जाना चाहिए, मेरे को कॉल करके इन्होंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, आधा एक घंटा तो हो गया होगा उस बात को ही, लेकिन देखो अभी तक आ नहीं पाए ये लोग। बट कोई नहीं, अभी अपन लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इन लोगों का, ये लोग भी आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। और अपने सारे ऑफिस वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं मस्त मजे में, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बैठ करके इनका वेट कर लेता हूँ। फाइनली अभी अपनी मीटिंग हो चुकी है पूरी भाई, ये मीटिंग पता नहीं क्यों ही बिठाई थी इन लोगों ने। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, ये रहा हमारा मैनेजर, ये रहा फ्रैंकलिन और ये रहा ट्रेवर। भाई ट्रेवर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्से में रहता है। और मैं आप लोगों को इस मीटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ तो भाई, ये मीटिंग इन्होंने इसलिए बिठाई थी क्योंकि हमारा जो मिलिट्री कर्नल जो है, उसको कोई गोल्ड की विंटेज कार चाहिए थी, लेकिन वो विंटेज कार अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमारे पास गोल्ड भी अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर हम गोल्ड लगा पाए। तो अभी गोल्ड लाने का काम तो हमारे फ्रैंकलिन को मिल चुका है, अभी फ्रैंकलिन गोल्ड लेकर के आएगा और अभी विंटेज कार हमारा ट्रेवर लेकर के आएगा और हमें अपने वर्कर के साथ जाकर उसको डिलीवर करके आना है मिलिट्री बेस में। ऑल डन, तो अभी यहाँ से सब जने जा चुके हैं, अभी मैं भी यहाँ से चलता हूँ जल्दी से। और आप लोगों को मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ, जो कि है मेरा गैरेज, वो भी हमारा पास में ही है गैरेज मेरा। और हाँ, अभी मैं खुद ही ड्राइव करके जाने वाला हूँ क्योंकि काफी ज्यादा नजदीक है। अभी मैं अपने गार्ड्स को बोल दूंगा कि यार तुम लोग घर चले जाओ, अभी मैं खुद ही ड्राइव करके यहाँ से जाने वाला हूँ। ओके, तो अपना गैरेज यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, पीछे वाले रोड पर ही है अपना गैरेज। अभी मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को निकाल कर दिखाता हूँ आप लोगों को अपना गैरेज। मेरे पास काफी सारी सुपर कार है, लेकिन मेरी आधी सुपर कार इस गैरेज में खड़ी हुई है। अभी मेरी आधी कार है तो इस गैरेज में ही खड़ी हुई है, मेरी आधी कार अभी मेरे बंगले पर भी खड़ी हुई है, लेकिन मैं अभी ये वाली गाड़ी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी ये मिलियन ऑफ डॉलर में तो गाड़ियों का कलेक्शन होगा जरूर। ऑल राइट, तो मैं अभी अपने गैरेज में खड़ा हूँ और मैं अपनी अपनी सुपर कार्स मैं देख रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ मेरे पास कितनी सारी सुपर कार्स हैं। ओके, तो देखो भाई मेरे पास कितनी सारी सुपर कार है। पहली तो हमारी रोल्स रॉयस गोस्टी है, दूसरी है लैम्बोर्गिनी सियान और तीसरी है हमारे पास निसान की GTR और उसके आगे है मैकलैरन 720P और उसके आगे भी कोई मैकलैरन की गाड़ी है, पता नहीं मेरे को इसका नाम सही से याद नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडी हाईकेड, भाई ये हाईकेड वर्जन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये एक और मैकलैरन और ये है फरारी FXXK और इससे आगे खड़ी है हमारी मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट कार। भाई मैं इसको चलाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये सड़कों
सड़कों पे चलती नहीं है, पूरी ग्राउंड क्लियरनेस है ही नहीं भाई। ये डिन का जस्टर है जो कि रेसिंग एडिशन है मेरे पास, तो ये है मेरा गैरेज का कलेक्शन। अभी मैं यहाँ से चलता हूँ निसान GTR को लेकर के, अभी मैं चलता हूँ, मेरा मन कर रहा है निसान GTR को ड्राइव करने का, तो अभी इसको लेकर चलते हैं नीचे की तरफ। काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस है इस वाली गाड़ी की, वो ये देखो कितनी तगड़ी लग रही है अपनी निसान GTR, इसलिए मैं इसको लेकर के आया था भाई। क्या ही मस्त परफॉर्मेंस देती है, इसकी आवाज भी काफी ज्यादा तगड़ी है यार। तो अभी मैं आप लोगों को अपने शोरूम दिखाता हूँ, मेरे पे काफी सारे शोरूम है, लेकिन पहले हम चलते हैं रोल्स रॉयस के शोरूम में अपनी गाड़ी को भगाते हुए। सच में ये गाड़ी कितनी तेज भागती है भाई। ओके तो अभी मैं भगाता हूँ, पहुंच चुका हूँ अपनी गाड़ी को रोल्स रॉयस वाले शोरूम पर, और यहाँ पर अपना रोल्स रॉयस का शोरूम ये रहा भाई। अभी अंदर की साइड चलते हैं। भाई क्या हो गया, थोड़ा साइड होके खड़ा हो जाना भाई, बंदा कुछ अलग ही है, बिल्कुल रास्ते के बीच में खड़ा हो गया। काफी सारे लोग अपनी गाड़ियों को बाहर से खड़े होकर भी देख रहे हैं। अभी मैं अंदर चल के देखता हूँ भाई, अभी अंदर भी काफी सारे लोग हैं, शायद से गाड़ियां परचेस कर रहे हैं। अभी देखते हैं भाई अंदर चल के। अभी शोरूम में गाड़ियां तो काफी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन इनके मॉडल मेरे को काफी कम नजर आ रहा है। जैसे कि ये रोल्स रॉयस घोस्ट का एक मॉडल है और एक ये दूसरा वाला मॉडल है भाई, इसके अलावा तो कोई मॉडल दिख ही नहीं रहा शोरूम में। अभी मैं मैनेजर से बात करता हूँ, इससे बोलता हूँ भाई मॉडल मंगा यार, क्या हो गया, रोल्स रॉयस का शोरूम तू बंद कराना चाहता है क्या। अभी मैनेजर से मैंने यहाँ पे बोल दिया, अभी मैनेजर अपना फोन करके किसी को बोल रहा है गाड़ी वाड़ी मंगाने के लिए। शायद इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट डीलर होगा, इसको पता होगा ये मंगा लेगा गाड़ियाँ। अभी हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे जिमी को उसके कॉलेज में भी छोड़ करके आना है। तो अभी चलते हैं जल्दी से घर के लिए अपनी निसान GTR में बैठ करके। अभी मेरे घर जाने में ज्यादा देर नहीं लगी, बिना देरी करे चलते जल्दी से घर के लिए। और भाई थोड़ा साइड हो यार, कैसे कैसे बंदे हैं यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं जल्दी से। यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है अपना घर, मैं जल्दी से गाड़ी भगाता हूँ और चलते हैं भाई जल्दी से घर के लिए। भाई निसान की लुक कितनी खतरनाक आती है। ओके तो अभी मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूँ, अभी इस वाले घर पर नहीं जाने वाले, इससे अगले वाले घर पर चलते हैं जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हुए, जहाँ पर अपनी पूरी फैमिली रहती है, जिमी, माइकल, ट्रेसी, अमांडा, सारे के सारे इसी वाले घर में रहते हैं। ये घर काफी ज्यादा बड़ा और इसी वाले घर में मेरी आधी सुपर कार्स भी खड़ी हुई है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर जाकर, ये घर काफी ज्यादा बड़ा है और मैंने यहीं पर अपना गैरेज बना रखा है, काफी तगड़ा वाला। यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी कर रखी है। अभी जल्दी से चलते हैं घर के अंदर और जिमी को उठाते हैं जल्दी से कॉलेज के लिए। भाई मेरे को फोन करके बोल रहा था अभी बाहर नहीं आया अभी तक, चलो जल्दी से अंदर जाकर ही बुला लेता हूँ मैं उसको। अभी जितना बड़ा घर ये बाहर से दिखता है, उतना ही बड़ा घर ये अंदर से भी है भाई। काफी ज्यादा भूल भुलैया टाइप का घर है ये भाई, कभी कभी तो मैं ही भूल जाता हूँ कि कौन सा कमरा कहाँ पर था। तो अभी मैं जिमी को देखता हूँ जल्दी से, शायद से वो ऊपर वाले कमरे में हो सकता है। जल्दी से चल के देखते हैं भाई, बुलाते हैं उसको और छोड़ के आते हैं उससे कॉलेज में। मैंने जिमी को पूरे घर में तलाश कर दिया, अभी यही वाला कमरा बचा है। ओके तो यहीं पर ही बैठे हुए हैं सारे के सारे, अभी मैंने पूरा घर तलाश कर दिया। जिमी जल्दी से उठ और चल मेरे साथ फिर। ओके अभी जिमी हो गया रेडी, अभी चलते हैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालते हैं और इसको उसके कॉलेज में छोड़ करके आते हैं। जिमी वैसे रोज तो अमांडे के साथ जाता है, लेकिन आज मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा उसको, क्योंकि अमांडा आज नहीं जा रही है। तो चलो भाई चलते हैं, छोड़ के आते हैं उसको इसके कॉलेज में। अभी जिमी का ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं है, इसलिए वो अभी खुद ड्राइव करके नहीं जा सकता कॉलेज में। अभी मैं अपनी निसान से नहीं जाने वाला हूँ, अभी मैं अभी दूसरी वाली गाड़ी से जाने वाला हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कौन सी वाली गाड़ी से मैं जाने वाला हूँ। अभी मैं बताता हूँ मैं कौन सी वाली गाड़ी से जाने वाला हूँ। अभी जिसमें से कोई सी भी गाड़ी मेरे को सही नहीं लग रही है, एक को छोड़ के, जो कि है मस्टैंग GT। अगर आप लोगों को भी मस्टैंग पसंद है तो ओपी मस्टैंग कमेंट में जरूर लिख देना, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि मेरे व्यूवर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और भाई आजा जिमी फिर चलते हैं जल्दी से, तेरे को कॉलेज छोड़ करके आता हूँ भाई। अभी मस्टैंग की ड्राइव करेंगे और मैं सोच रहा हूँ इस मस्टैंग को थोड़ा सा और कस्टमाइज करा के, इसके ऊपर कुछ लिवरी लगा के और थोड़ा खतरनाक करते हैं इसको, जिससे इस गाड़ी की लुक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वैसे अभी भी बहुत तगड़ी लगती है मुझे ये वाली गाड़ी, तो आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग बता देना एक बार। तो अभी बिना देरी करें निकलते हैं जल्दी से जिमी के कॉलेज के लिए और इसको कॉलेज में छोड़ करके आते हैं। ट्रक वाले भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा लो यार, तुमने तो यहीं पे खड़ी कर दी। ओके भाई बंदा कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, इसको लेके चलते हैं जल्दी से। अभी भाई जिमी का कॉलेज यहाँ से थोड़ा सा दूर में है, बट अपनी मस्टैंग भी काफी ज्यादा फास्ट है, इसको भगाते हुए मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा जिमी के कॉलेज पर, पता भी नहीं चलने वाला। और भाई क्या ही मजा आता है इस गाड़ी को ड्राइव करने में, भाई एक नंबर हैंडलिंग है इस गाड़ी की। ऑल राइट गाइस तो अभी हम जिमी के कॉलेज पर तो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अभी राइट में ही है जिमी का कॉलेज, अभी अंदर लेते हैं कॉलेज के। भाई कितना बड़ा कॉलेज है जिमी का, जिमी को यहाँ पर पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता होगा क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा कॉलेज हो गया। ओके तो जिमी को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और जिमी अंदर चला जाएगा अपने कॉलेज में। जिमी को अपनी क्लास अटेंड करने में कोई भी देरी नहीं होगी, अभी जिमी जल्दी से जाने वाला है क्योंकि हम काफी ज्यादा टाइम से आ चुके हैं। अभी जिमी चला जाएगा मजे में अपने कॉलेज के लिए और इसकी क्लास शायद से लेफ्ट साइड में है, अभी शायद से उधर ही जाने वाला है, देखते हैं भाई। हाँ तो शायद उधर ही है इसकी क्लास। ओके तो जिमी तो जा रहा है अपनी क्लास पे, अब लोग चलते हैं अपने घर के लिए जल्दी से और अपनी मस्टैंग को भगाते हैं। और क्या ही ओपी साउंड आ रहा है भाई अपनी गाड़ी में से। ओके तो अभी मैं घर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका हूँ, अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाके अपना घर का रास्ता आ जाएगा। यहाँ से मैं हाईवे पकड़ के अपने घर के लिए चल लूंगा जल्दी से, और हाईवे का रास्ता यहाँ से शायद से सीधे में है या फिर राइट में है, नहीं सीधे में, यहाँ पे चलते हैं जल्दी से और भाई भगाता हूँ
अपनी मस्टैंग को। एक सेकंड, मेरा फोन शायद से वाइब्रेट हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। तो शायद से मेरा फोन वाइब्रेट हो ही रहा है, अभी निकाल के देखता हूँ मैं। एक मिनट भाई, निकल जा। नहीं, मेरा फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा, वो मस्टैंग का इंजन वाइब्रेट हो रहा था, उसकी साउंड की आवाज आ रही थी। ओ भाई, ये क्या हुआ भाई साहब, बंदे ने उस बंदे को उड़ा दिया। भाई साहब, क्या है, खतरनाक बंदा था वो, इसको उड़ा के भाग गया। भाई उसको उतर को देखना पड़ेगा भाई, मुझे लग रहा है ये एक फीमेल है भाई, इसको उठाते हैं जल्दी से। भाई अभी ये जिंदा तो लग रही है मुझे, इसको जल्दी से उठाता हूँ मैं। पता नहीं ये उठ पाएगी नहीं उठ पाएगी। ओके, तो काफी ज्यादा मुशक्कत के बाद ये उठ तो गई है, लेकिन इससे चला नहीं जा रहा। आजा भाई मेरी गाड़ी में आके बैठ जा तो जल्दी से। और भाई इसको देखो कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, उसने कुछ ज्यादा खतरनाक टक्कर मार दी है। ओके कोई नहीं, तू जल्दी से आके बस बैठ जा अपनी गाड़ी में। इसको लेके चलता हूँ मैं अपने घर के लिए, अपने फैमिली डॉक्टर से इसको दिखा देंगे भाई, वही चेकअप वेकअप कर देगा। और कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो इसको जल्दी से हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करा देंगे, ताकि कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो इसको। अभी मैं ड्राइविंग में फोकस करके जल्दी से चल लेता हूँ अपने घर के लिए। और भाई मुझे काफी ज्यादा सेफली ड्राइव करनी पड़ेगी। भाई ये कौन बंदे हैं यार, अच्छी खासी सही ड्राइव करते करते मेरे को आके ठोक दिया उस बंदे ने। भाई जिसने भी इसको उड़ाया उसके ऊपर हमें केस वेस करना चाहिए था, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर हमने देख नहीं पाया था, क्योंकि कुछ ज्यादा ही तेज वो अपनी गाड़ी को भगा के ले गया था। तो अभी मैं अपने घर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका हूँ, लेकिन लॉस सैंटोस में ऐसा देखा तो नहीं जाता, ज्यादातर ड्राइवर तो काफी ज्यादा अच्छे से ड्राइव करते हैं। और मुझे लगता है इसको किसी ने जानबूझ के उड़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि जिस तरीके से वो बंदा कितनी तेज गाड़ी भगाता वो आया था, भाई मुझे नहीं लगता किसी नॉर्मल एक्सीडेंट था ये। जहां तक मेरा माइंड जाता है ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, वैसे किसी ने इस लड़की को जानबूझ के मारने की कोशिश करी है। और ये पता नहीं कौन लड़की है यार, अभी मेरे को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। अभी मैं इसको जल्दी से घर पर लेकर चलता हूँ, मैं अपने वाले रूम में इसको ऊपर बिठा देता हूँ, देखते हैं भाई अभी डॉक्टर डॉक्टर को बुला के। इससे चला नहीं जा रहा मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं चला जा रहा। पर जैसे जैसे करके ये लंगड़ा लंगड़ा के चल ले रही है, कोई नहीं आजा मेरे पीछे, मैं तेरे को ऊपर बेड रेस्ट पे छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से लेटे रही। तेरा दर्द हुआ ठीक नहीं हो जाता जब तक कि तू आजा मेरे घर पे ही रह लियो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं डॉक्टर को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि भाई वो आके इसको चेकअप वेकअप करेगा और देखेगा भाई क्या परेशानी है इसको। मेरे हिसाब से तो इसके पैर और हाथ में ज्यादा चोट लग गई है। ओके, तो अभी डॉक्टर भी आ चुके हैं, अभी डॉक्टर इसका चेकअप वेकअप करके देख रहा है भाई इसको क्या परेशानी है। अभी जल्दी से देख कर इसको बता दो डॉक्टर साहब क्या हो गया इसको। अभी इसका पैर वैर शायद से टूट चुका है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी यहाँ पर अमांडा और ट्रेसी भी आ गया। मैं सोच रहा हूँ अगर डॉक्टर ने कुछ ज्यादा बड़ा मसला बताया तो मैं इसको जाकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा। अभी डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे हैं और देखते हैं भाई कब तक इनका चेकअप हो पाता है, और उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूंगा कि इसको घर में रखना सही रहेगा या फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट ही करा दे। मेरे हिसाब से तो अगर इसका पैर वैर टूटा है तो इसको हॉस्पिटल में ही एडमिट कराना सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी अभी देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। ओके, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं भाई डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया है अभी तो बेहोश हो चुकी है, अभी ये शाम तक इसको होश आएगा। अगर ये जब तक ठीक हो जाए थोड़ा बहुत तो ठीक है, वरना इसको घर में रख लेना, वरना तो इसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, शाम तक का वेट करते हैं और देखते हैं भाई इसका क्या हालचाल होते हैं। भाई अभी इसको कुछ खाने वाने का ला के नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये बेहोश हो चुकी है पूरी तरीके से। ओके, तो आप लोग देख सकते हो अभी काफी ज्यादा शाम का टाइम हो चुका है। अभी मैं ऊपर चल करके देख लेता हूँ, उसको बुलाता हूँ, उठा के देखता हूँ एक बार, क्या पता थोड़ा बहुत होश आ गया उसको। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए था जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। और बाकी मैं उसी से खुद पूछ लूंगा कि भाई तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए या फिर नहीं। शायद से बोलने की हालत में तो आ गई होगी अब तक के, बोल तो वो पहले भी रही थी, बाकी उठ नहीं पा रही थी। अभी देखते हैं क्या सीन है इसका। ऑल राइट, तो भाई मैंने इसको एक ही आवाज दी और ये उठ के खड़ी हो गई और मुझसे बोल लिया मेरे को प्लीज मेरे घर तक छोड़ दो। और बाकी इसकी हालत तो अभी काफी ज्यादा सही लग रही है मुझे। ओके, कोई नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जा, फिर मैं तेरे को तेरे घर तक छोड़ के आ जाता हूँ। और भाई इसका घर भी पता नहीं कहाँ पर है, कोई नहीं इसको लोकेशन पता होगी और ये मेरे को बता देगी, मैं इसको छोड़ करके आ जाऊंगा इसके घर पर। कोई नहीं, आ जा फिर तो जल्दी से मेरे पीछे पीछे और गाड़ी में बैठकर चलते हैं तेरे घर पर। भाई साहब मेरे को तो इसके चलने के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है भाई, क्योंकि ये चल नहीं पा रही है अभी भी। और कोई नहीं, इसके घर पर इसको छोड़ देंगे तो काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट हो जाएगी शायद से, इसके फैमिली वाले हमसे ज्यादा अच्छे से इसका ध्यान रख लेंगे। और मैं भी इससे इसके घर का लोकेशन पूछता हूँ और चलते हैं भाई इसके घर की तरफ। पहले तो मैं अपनी गाड़ी को इस घर से बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ से बाहर निकालने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आता है भाई, एकदम लग्जरी फीलिंग आती है यहाँ से गाड़ी बाहर निकालने में। ये एंट्रेंस और एग्जिट का गेट इतना मस्त बनाया है ना, यहाँ से ड्राइव करते हुए स्लोली स्लोली जाओ तो काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन अभी मेरे को इसको उसके घर तक छोड़ के आना था तो मुझे फास्ट गाड़ी भगानी पड़ेगी। क्योंकि कोई नहीं, इतनी भी फास्ट नहीं भगाऊंगा कि इसको कोई दिक्कत आए। अभी मजे में चलते हैं मस्त इसके घर का छोड़ के आते हैं और इससे पूछते हैं इसका घर का रास्ता है कहाँ पर, जाऊंगा कहाँ में फिर। भाई साहब मुझे तो पहले से लग रहा था ये किसी गैंग की मेंबर है, और भाई ये तो सच में एक गैंग की मेंबर निकली। बेसिकली लॉस सैंटोस में एक पीस बडी नाम से एक गैंग चलती है, और उस गैंग के हेड की ये बेटी है भाई, ये मेरे को बता रही है। तो अभी मेरे को इसके इलाके में जाना पड़ेगा जो कि काफी खतरनाक इलाका है, लेकिन हमने इसकी जान बचाई है तो शायद से हमें कुछ नहीं कहेंगे वो, शायद से हमें और थैंक यू बोले अपनी तरफ से, क्योंकि मैं अपने गार्ड भी नहीं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, मैं अकेला इसके यहाँ पे जाने लगा। चलो कोई नहीं, अभी जैसा भी होगा देखा जाएगा, मैं एक बार कॉल करके बुला लूंगा फ्रैंकलिन ट्रेवर को। बाकी इतना ही काम काफी, अगर कुछ दिक्कत
दिक्कत हुई तो। ओके तो अभी मैं गाड़ी भगाता भगाता इसके एरिया में आ चुका हूँ, यहीं पे थोड़ा सा आगे की साइड जाके राइट में साइड से आगे, हाँ ये आगे वाले रोड पर ही इनके गैंग का अड्डा बसता है। वैसे तो ये पूरा इलाका पीस बड़ी गैंग का ही है, और भाई ये देखो कितने सारे गैंग के बंदे यहाँ पर घूम रहे हैं, और यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा भाई भाई भाई। ओके तो अभी ये लड़की मुझसे बोल रही है, जो सामने आदमी बैठा हुआ है यानी कि इस गैंग का हेड, वही इसका फादर, और मुझे यहीं पर इसको छोड़ देना है। कोई नहीं, गाड़ी से उतर जा, फिर अपने पापा से मिल ले जाके। भाई तू अभी काफी ज्यादा खतरनाक हालत में थी, बाकी अभी मेरे को सही लग रही है ये। ओके तो अभी ये अपने पापा से मिलने जा रही है, कोई नहीं अपने फादर से मिल ले और बातचीत कर ले थोड़ी सी। भाई अभी काफी ज्यादा दिनों बाद मेरे को लग रहा है आई है, क्योंकि इसे ये गैंग वाला एरिया पसंद नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर रहती नहीं है। ओके तो गाइस जो सामने बंदा आपको दिख रहा है ना, ये गैंग का हेड, ये मुझसे बोल रहा है थैंक यू तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, कोई नहीं अभी इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की अगर जरूरत चाहिए हो, या फिर मेरी गैंग वैंग को चाहिए हो, किसी को पीटना बांटना हो, तो भाई मेरे को याद कर लेना, अभी हमें किसी को पीटना बांटना तो नहीं है, हमें किसी और चीज की जरूरत है अभी। तो भाई माइकल की लाइफ एकदम मस्त चल रही है, अगर कभी आगे जरूरत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हें याद कर लूंगा, कोई नहीं अभी तो मैं चलता हूँ अपने घर के लिए। अभी माइकल को तो किसी भी गैंग वैंग की जरूरत है नहीं वैसे तो, अपनी सिक्योरिटी का भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और अपने पास तो वैसे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, अभी मुझे गैंग की तो कोई जरूरत है नहीं। लेकिन हाँ फिर भी एक गैंग से बातचीत होना ये काफी ज्यादा सही रहता है कभी कभी, और कभी कदा कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो काम में आ जाती है गैंग वैंग भी। चलो कोई नहीं, ये भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि अपने एक गैंग से तो थोड़ी बातचीत बढ़ गई, अभी आगे जाके कभी कोई पंगा वंगा होता है तो हम इनसे बोल के थोड़ा गेम में बजा सकते हैं सामने वाले बंदे का। वैसे इतना काम तो हमारे बॉडीगार्ड भी कर सकते थे, लेकिन एक गैंग के साथ काम करना कुछ ज्यादा मस्त रहता है ना, वैसे काम तो नहीं करूंगा मैं इनके साथ ऐसी मस्त थोड़ा बहुत बातचीत। और हाँ इस चीज को देखकर तुम ये मत समझना कि ये एक्सीडेंटली हुआ, ये मैं करता हूँ भाई, ये मेरी ड्राइविंग स्किल्स है। ओके तो अभी मैं सही से गाड़ी चलाकर सीधा घर पे पहुंच जाता हूँ, वरना मैं शायद घर भी ना पहुंच पाऊँ, इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है अभी मेरी ड्राइविंग। ओके तो अभी मैं मस्टैंग को भगाते हुए अभी पहुंच चुका हूँ अपने घर के काफी ज्यादा नजदीक में, और अपनी गाड़ी रात में क्या ही मस्त लगती है ये। भाई टैक्सी वाले थोड़ा सही से चला ले यार, तो कहीं से भी कट निकालने की सोच रहा है भाई, ये भी सारा हैवी ड्राइवर हो चुके हैं सारे के सारे आज। अभी मुझे भी अपनी गाड़ी की स्किल थोड़ा ड्राइविंग स्किल पर फोकस करके थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा उनको, क्योंकि यार काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है मेरी दिन ब दिन ड्राइविंग स्किल। कोई नहीं अभी ड्राइविंग तो अपनी मस्त है ही, और थोड़ी बहुत और इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफी दिनों बाद गाड़ी चलाई है, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने गार्ड के साथ जाता था, अभी मैंने खुद ही ड्राइव करना अभी कुछ दिनों से शुरुआत करी है। बाकी आज तो यार माइकल कुछ ज्यादा ही थक गया है, कोई नहीं अभी घर जाके सीधा सोने वाला हूँ मैं, बहुत तगड़ा वाला हूँ, और शायद से कल तक तो मैं कुछ ज्यादा ही सो जाऊँ। कल 12:00 से पहले तो माइकल नहीं उठने वाला मेरे हिसाब से तो, और अपनी अपनी गाड़ी को मैं पार्क में लगा देता हूँ जल्दी से, और चलते हैं भाई जल्दी से सोने के लिए। ओके काफी ज्यादा सही तरीके से मैं अपनी गाड़ी को लगाने वाला हूँ अभी पार्किंग में, ताकि कोई गाड़ी को स्क्रैच स्क्रैच ना आए। ओके 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 बहुत बढ़िया, अभी लगा दिया मैंने सही से, उतरते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई सोने के लिए, काफी ज्यादा थकावट हो चुकी है। आज हम काम करने क्या निकले थे और हमने कितने सारे काम कर दिए, एक लड़की को भी बचा के हमने उसको घर तक छोड़ के आ गए। तो अभी अपनी एक गैंग के साथ भी काफी सही बातचीत हो गई है, अभी आगे का पंगा वंगा होता है तो हम लोग उनको बुला करके थोड़ा बहुत निपटा सकते हैं पंगे को। बाकी अभी जल्दी से जाकर सोते हैं, और कल सुबह शायद से हमें वो गाड़ी भी दे करके आनी हो मिलिट्री बेस में, देखते हैं भाई क्या होता है। अभी मेरे हिसाब से तो अभी एक दिन में गाड़ी नहीं बन सकती। ओके गुड नाइट, फिर सोते हैं जल्दी से अब। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो चुकी है और भाई दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, और मैं आज कुछ ज्यादा ही सो लिया हूँ, अभी चलते हैं जल्दी से नीचे, और फ्रैंकली इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि गाड़ी रेडी हो गई है क्या, आज ही डिलीवर करके आना है या फिर कभी और जाना पड़ेगा हमें, कल वल को जाना है या फिर। लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा गेटअप चेंज कर लेता हूँ, थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करके आता हूँ मैं, क्योंकि यार काफी ज्यादा डर्टी लग रहे हैं अभी ये कपड़े, कल से मैं यही पहना पड़ा हूँ। ओके तो अपना बाथरूम इधर ही साइड है, हाँ मेरे को ये तो याद था कि बाथरूम इधर ही साइड है, तो अभी मैं फ्रेश होकर जल्दी से थोड़े कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ। ऑल डन, तो अभी माइकल काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, ब्लैक कलर का कोट पैंट पहनकर अभी चलते हैं भाई बाहर की साइड, और फ्रैंकलिन को कॉल करके बोलता हूँ मैं, देखता हूँ आज गाड़ी रेडी हुई है या फिर नहीं हुई है, अभी क्या करना है उसका पूछते हैं, और डिलीवरी करके आनी है आज, देखते हैं भाई क्या सीन है आज अपने शोरूम में, एक तगड़ी सी गाड़ी एकदम डिलीवर होने वाली है, वो भी एक मिलिट्री बेस में। भाई साहब मिलिट्री कर्नल के पास शायद से कुछ ज्यादा पैसा आ गया है, शायद से सरकार उससे कुछ ज्यादा पैसा दे रही है। चलो कोई नहीं, हमें क्या, हमारे पास भी तो पैसा आ ही रहा है, हमारी तो बस गाड़ियां सेल होनी चाहिए, चाहे वो मिलिट्री बेस में हो या फिर किसी के घर पर हो, हमें तो बस गाड़ियां डिलीवर करनी है। वैसे तो अपने वर्कर ही सारी गाड़ियां डिलीवर करके आ जाते हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी कुछ ज्यादा ही मतलब गोल्ड की गाड़ी है यार, तो हमें छोड़कर आनी पड़ेगी शायद से हमारे वर्कर
कोई नेटवर्क फिसल जाए तो यार इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते ना। कोई नहीं, अभी मैं फोन निकालता हूँ अपना और फ्रैंकलिन को कॉल लगा करके बोलता हूँ, भाई पूछता हूँ आज क्या सीन है। ये तो फ्रैंकलिन का एक मैसेज आया था मेरे पास पहले से आ रखा है, और भाई साहब ये क्या लिख रखा है इसने मैसेज में, मैं इसको कॉल लगा के पूछता हूँ जल्दी से क्या हो गया भाई ये। भाई साहब अभी फ्रैंकलिन मेरे को बता रहा जो अपना मैनेजर था उसने हमारे साथ स्कैम कर दिया। भाई पहली बार में तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ यार मेरे को फ्रैंकलिन बता रहा है, तो भाई अभी मैं जल्दी से अमांडा को कॉल करके बता देता हूँ, बाहर बुला लेता हूँ लोगों को जल्दी से। गाइस तो अभी जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी और ये गाड़ियां हैं सबकी फाइलें उसी के पास, सबके पेपर उसी के पास है भाई, हम तो बता भी नहीं सकते ये गाड़ियां हमारी है। भाई मैंने काफी ज्यादा ट्रस्ट करके उसको ये सब चीजें दी थी, भाई उसने हमारे साथ स्कैम कर दिया, और भाई उसके खिलाफ तो हम केस भी नहीं कर सकते क्योंकि यार अपना जो ये बिजनेस है इसमें थोड़ा बहुत ब्लैक का माल भी यूज होता है, कुछ इलीगल चीजें भी यूज होती है यार, इसलिए मैं अभी पुलिस को भी नहीं बता सकता उसके बारे में, और हमने बताया भी तो भाई उल्टा हमारे ऊपर ये नाम आएगा और हम तीनों जेल में जाने वाले हैं, माइकल फ्रैंकलिन और ड्राइवर अगर मैंने ऐसा करा तो। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा भाई अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएं जल्दी से जल्दी, और मैं जल्दी से कॉल करके बोल तो दिया है मैंने ये लोग बाहर नहीं आया अभी। ओके मुझे जिमी तो आता हुआ दिख रहा है अभी, जल्दी आ जाओ जिमी, और बाकी सब कहाँ है भाई, तो जल्दी से सबको लेके आता ना। ओके कोई नहीं, पहले तो ही आगे बैठ जाओ, और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, काफी ज्यादा गलत सीन हो गया अपने साथ भाई, इतनी सारी गाड़ियां लग्जरी शोरूम वोरूम सारे के सारे हमारे साथ हमारे हाथों से चले गए। मैंने कभी नहीं सोचा था यार अपना मैनेजर हमें इतना बड़ा धोखा दे देगा भाई, मैं तो काफी सारा ट्रस्ट करता था उसके ऊपर, मैं तो उसको अपना बिजनेस पार्टनर समझता था, लेकिन ना उसने इतना बड़ा धोखा हमें दे दिया भाई, अभी वो यार क्या करना अभी उसके बारे में अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ट्रेसी भी आ गई, अमांडा कहाँ है, अमांडा कुछ पैसे वैसे लेने गई थी, अभी आ रही है वो भी, जल्दी से चलते हैं भाई हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी। भाई ऐसे तो हमारे पास सारी ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी हमारे पास सारी हमारे हाथों से जा चुकी है यार, अभी हमें फिर से पुअर लाइफ में जाना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपना मैनेजर हमें इतना बड़ा धोखा दे देगा और भाई हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम कर भाग जाएगा भाई, अभी क्या ही सीन करना है भाई हमें, अभी हमारे पास तो सारी चीजें जा चुकी हैं, अभी हम बिल्कुल पुअर हो चुके हैं अभी यार। मैं तो इस वाली गाड़ी को लेकर के आ गया हूँ, लेकिन अगर पुलिस वुलिस की चेकिंग होगी तो ये वाली गाड़ी भी हमारे यहाँ से जा सकती है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इस गाड़ी को भी बदल दूंगा, मेरे हिसाब से तो बदलना काफी ज्यादा सही रहेगा। ओके तो अभी मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन से पूछता हूँ भाई अभी करना क्या है हमें यार, अभी कहाँ जाना, हमारे पास तो अभी कोई घर भी नहीं बचा जिसके हमारे पास पेपर वेपर हमारे पास हो। ओके तो अभी ट्रेवर फ्रैंकलिन से मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कि यार कोई घर का इंतजाम हो जाएगा क्या, क्योंकि अपनी फैमिली को भी तो किसी घर में रखना पड़ेगा ना यार, ऐसे सड़कों पर कब तक घूमते रहेंगे। अभी थोड़ा बहुत पैसा जो पड़ा है मैं सोच रहा हूँ उससे घर ही परचेज कर ले जिसमें हम रह पाए, कोई नहीं बाकी देखते हैं। यहाँ पर आगे जाके एक शॉप थी यार, वो शॉप शायद से हाँ ये तो रही पीछे की साइड भी मैं चलता हूँ, यहाँ पर यही है शॉप वो, अभी इसी से कुछ खाने पीने का सामान परचेज कर लेते हैं और फिर चलते हैं भाई, अभी देखते हैं क्या करना है घर पर परचेज करके देखते हैं कोई। अभी ट्रेवर फ्रैंकलिन से कुछ पूछना पड़ेगा यार, उनसे भी कुछ मदद हेल्प लेनी पड़ेगी शायद से, उन्होंने कोई घर रख रखा हो अपना सेव करके। अभी तो यहीं पर ही थोड़ा बहुत वेट करके देखते हैं अभी ट्रेवर फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब रियल स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होगी माइकल की। तो नेक्स्ट एपिसोड सी यू सून।